दोस्तों आज मैं आपसे यूरोप के एक बेहद ही छोटे से देश सैन मरीनो के बारे में बात करूंगा, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी सैन मरीनो और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी डोगाना है। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है। ये देश सिर्फ और सिर्फ 61 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी यूरो है और यहाँ का एक यूरो हमारे इंडिया के 82 रुपए के इक्वल है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की पॉपुलेशन 35,000 के आसपास है। तो चलिए दोस्तों आगे भी इस वीडियो में मैं आप सभी को सैन मरीनो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। ये देश इटली के पास बसा हुआ यूरोप का एक बेहद ही छोटा सा देश है, लेकिन ये यूरोप का एक बेहद ही अमीर यानी धनी देश माना जाता है। प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से ये यूरोप का चौथे नंबर का देश है। ये कितना ज्यादा अमीर देश है इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं जितनी यहाँ की पॉपुलेशन भी नहीं है। और इस देश में गाड़ियों की संख्या यहाँ की पॉपुलेशन से 32% तक ज्यादा है। यूरोप के दूसरे किसी भी देश के मुकाबले यहाँ पर बेरोजगार लोगों की परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है। दोस्तों इस खूबसूरत देश का ज्यादातर पैसा बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है। एक समय ऐसा भी था जब इस देश की खुद की करेंसी हुआ करती थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन में आने के बाद इसकी करेंसी यूरो हुई। काफी ज्यादा छोटा देश होने के चलते ही इसकी कोई भी सेना नहीं है और इसकी पूरी जिम्मेदारी इटली देश की है। हालांकि दोस्तों इस देश में गार्ड ऑफ रॉक नाम की एक पुलिस नियुक्त की गई है जो वहाँ के लोगों को पूरी तरह से सेफ रखती है। इस छोटे से देश का कल्चर काफी ज्यादा इटली से मिलता है, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि यहाँ के लोगों का रहन सहन यानी कि लाइफस्टाइल इटली के लोगों से काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ के लोग इटली के लोगों से काफी ज्यादा अमीर भी हैं और यहाँ के लोग इटली के लोगों से ज्यादा खुश भी रहते हैं। इस देश का पूरा सिस्टम 16वीं सदी में लिखी गई 6 किताबों के हिसाब से चलता है। इस देश के लोग काफी ज्यादा ईमानदार और काफी ज्यादा अच्छे दिल वाले माने जाते हैं। यहाँ के लोगों का नेचर काफी ज्यादा अच्छा होता है और वो हर किसी को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं। दोस्तों सैन मरीनो देश की लड़कियाँ यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत मानी जाती हैं। सैन मरीनो में कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है और इसीलिए अच्छे कोर्सेस और डिग्रीज लेने के लिए वहाँ के स्टूडेंट्स को इटली में ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे एक बेहद ही कमाल देश सैन मरीनो के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर करना और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।